दोस्तों, यदि अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अप्लाई होने के बाद यदि जब आपका चैनल कंग्रेचुलेशन यानी कि यूट्यूब उसको पूरी तरह प्रमोट कर दे, आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा, तो आपके पास एक मेल भेज देगा। और मेल भेजने के तुरंत बाद आप अपने चैनल में ये सेटिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है वीडियो डेड की स्थिति में आ जाए। तो प्लीज़ आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो मैं आपको ले चल रहा हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग आपको इनेबल करनी है। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पे मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका चैनल यदि अगर मोनेटाइज हो गया है, आपने अप्लाई कर दिया, मोनेटाइजेशन का मेल आ गया है, तो आप कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जिनको आप ऑन कर लीजिए तो आपका चैनल ग्रो करना चालू हो जाएगा। और आपको ये सेटिंग करना अति आवश्यक ही रहता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ये मेरा चैनल ओपन है और यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे आप साइड में जो देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो एस वाला पॉइंट दिख रहा है, ये डैशबोर्ड का पॉइंट है। यहाँ पे मैं जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं सबसे पहला आपको बता दूँ, चैनल डैशबोर्ड में लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस रहता है। दूसरा ऑप्शन रहता है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वेल इसमें दिया गया है वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि इसमें मेरे को मेल आया था, कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन नाउ मोनेटाइजेशन योर चैनल, ऐसे करके। तो यानी चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप इसमें पहली चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद यहीं पे आप साइड में देखेंगे कि आपको एनालिटिक का ऑप्शन दिखता है, एस वाला, ये जो एस साइन वाला ऑप्शन दिखता है, ये आपका मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन रहता है। तो इसमें आप जैसे ये दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोनेटाइजेशन वाले पेज में आप पहुँच जाएंगे, चैनल मोनेटाइजेशन। अब यहाँ पर आपको जो है दो तीन चीज़ें रहती हैं जिनको इनेबल करना होता है, जैसे कि यहाँ पे ओवरव्यू, एड्स, मेंबरशिप और सुपर का ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से कुछ चैनल ऐसे रहते हैं, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो यहाँ पे ओवरव्यू और सुपर चैट खुल जाता है, मेंबरशिप थोड़ा सा लेट आता है, एड्स थोड़ा सा लेट आता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं भी मेंबरशिप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखा दूं, तो यहाँ पे मेंबरशिप में मैं अपना मेंबरशिप रेडी कर लिया हूँ, मेरे चैनल पे अभी ज्वाइन बटन लगी हुई है, यानी ज्वाइन बटन जिस चैनल में लग जाती है वो मेंबरशिप वाला ऑप्शन रहता है। उसके अलावा मैं आपको मेन सेटिंग बता दूँ, जैसे कि यहाँ मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में आपको मेन सेटिंग सुपर में आता है, तो सुपर में आप जैसे यहाँ जैसे ही सुपर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है सुपर चैट और दूसरा मिलता है सुपर स्ट्राइकर। यहाँ आप साइड में देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन ऑन दिख रहा है, इनको आप इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप सुपर चैट को ऐसे ऑफ कर देंगे तो ये आपका टर्न ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और उसके अलावा आप जो है यहाँ पर स्टिकर भी है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन रहते हैं। उसके अलावा मैं आपको डैशबोर्ड के अलावा दूसरी और सबसे चीज़ बता दूं, जैसे कि यहाँ पे एनालिटिक्स पे आप जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका और ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट, ऑडियंस और उसके साथ साथ आपका रेवेन्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। रेवेन्यू मीन्स ये होता है कि आपका जो यूट्यूब में वीडियो रन कर रहा है उस वीडियो में आने वाली जो अर्निंग रहती है उसका रेवेन्यू क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा मैं और आपको बता दूं, जैसे ये वीडियो वाला ऑप्शन रहता है, इस वीडियो वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे वीडियो आ जाते हैं, वीडियो की लिस्ट आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड्स, लाइव और पोस्ट्स, यानी कि आप अपलोड्स में आपके जो वीडियो अपलोड हैं, लाइव में आपने कितना लाइव किया हुआ है या आपने कितने पोस्ट किए हुए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं ये पूरी एक्सेल सीट बनी आती है, यूट्यूब खुद एक्सेल सीट रेडी कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीडियो वाली लिस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाएगी, मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, व्यू मिल जाएगी, कमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेन सेटिंग आपको जो है यहाँ वीडियो वाले कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको मोनेटाइजेशन ये ऑन करना पड़ेगा। ये जैसे आप मोनेटाइजेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पूरे वीडियो में मोनेटाइजेशन को ऑन किया हूँ, जब तक आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में आ करके अपने पूरे वीडियो में आप जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक आपकी वीडियोस में एड्स नहीं आएंगे। तो ऐसे करके आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो दो तीन चीज़ें रहती हैं, दो तीन सेटिंग्स रहती हैं जो कि आपको ओपन करनी पड़ती हैं, ऑन करनी पड़ती हैं। अब जैसे ये पोस्ट वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, इसके पहले पोस्ट वाला ऑप्शन नहीं आता था। तो अब आपका चैनल जैसे कि प्रमोट हो गया है, मोनेटाइज हो गया है, तो यहाँ पे आप
पोस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कितना पोस्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। तो ऐसे करके आप ये सारी चीज़ें ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और यदि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।